नेशन न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो झाझा के रेलवे स्टेशन क्लब की है, और आपको पता है कि जो भारत के बिहार का चप्पा चप्पा का जो गांव कहलाता है या फिर ग्रामीण सुदूर क्षेत्र कहलाते हैं, चाहे वो प्रकृति की गोद में बसा हुआ जंगली क्षेत्र हो या फिर जमुई जिले का नक्सल प्रभावित क्षेत्र झाझा हो, तमाम क्रिकेटर और उनकी जिंदगी के साथ आज DCA जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन वो खिलवाड़ करने का काम कर रही है। यहाँ के कैप्टन जो अमित कुमार है वो भी हमारे साथ जुड़े, और नवयुवक संघ के संयोजक गौरव सिंह राठौड़ ने आखिरकार जब मोर्चा संभाला तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि DCA इन लोगों के साथ भेदभाव कर रही है, दोहरी नीति अपनाने का काम कर रही है। जो रजिस्ट्रेशन का शुल्क 2,000 रुपये है उनसे 10,000 रुपये का मांग किया जाता है, और यही 5 साल पहले जब इन लोगों ने एक कार्यक्रम का एक लीग का आयोजन किया तो इन लोगों के 30,000 रुपये के बजट राशि की पूर्ति अभी तक DCA के द्वारा नहीं की गई है। साफ तौर पर ये तस्वीर देख सकते हैं हमारे पीछे, ये सारे खिलाड़ी मौजूद है, बगल में ठीक देख सकते हैं गौरव सिंह राठौड़ भी मौजूद है जो इन लोगों के साथ आज मोर्चा संभाल रहे हैं कि आखिर DCA जो भेदभाव कर रही है आखिर क्यों कर रही है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का भेदभाव और लगातार इस तरह की रंजिश अपनाई गई तो वो खेल मंत्रालय तक का भी घेराव करने के लिए राजधानी पटना तक जाएंगे। बात ये हुई कि 2 दिन पहले अचानक बताया गया कि अंडर-19 का ट्रायल, लेकिन हम लोग को कुछ पता नहीं चला, किसी और के माध्यम से पता चला, लेकिन उनका काम है DCA का BCA का जो है हम लोग को बताने की अंडर-19 का ट्रायल है, लेकिन हम लोग को बताया नहीं गया, रात रात लिस्ट बना के भेज दिया गया। हम लोग सालों भर प्रैक्टिस करते हैं लगातार कि लड़का लोग का सपना है, हर साल प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ के अच्छे खिलाड़ी है, कहीं भी हम लोग जाते हैं तो इस क्लब का नाम करते हैं, लड़के लोग खेलते हैं, लेकिन ना लिस्ट में नाम भेजा गया किन्हीं का, और बाहर से प्लेयर को बुला के हर लड़के से 25,000 ले के नाम पटना भेज दिया गया। आज हम लोग का लड़का को वापस बोर्ड में नाम नहीं भी है तो वापस आ रहे हैं। इसका जिम्मेवार किसको मानते हैं? इसका जिम्मेवार हम मानते हैं DCA, सब मिली भगत की कहानी करते हैं वो लोग। DCA मतलब डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के जितने भी अधिकारी है सब का मिली भगत इसमें कहानी है उनका, जो मेहनत करते हैं उसको भेजने वाले नहीं है, जहाँ जाके खास करके उनको क्या प्रॉब्लम है समस्या कोई बताने वाला नहीं है। यहाँ का लड़का हर साल प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा मेहनत करते हैं, अगर नहीं होता तो मैच भी करा के देखा है, हर साल हम लोग मैच अभी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन सिलेक्शन के नाम पे किसी बाहरी लड़का को भेज जाता है। जी जी हाँ, लगातार इस तरह मतलब क्या लगता है कि आप लोगों को क्रश किया जा रहा है क्या? जी, हम लोगों को क्रश कर दिया जा रहा है कि वो लोग जानते हैं कि अगर हम लोग भेजेंगे तो यहाँ का लड़का खेल लेंगे तो फिर उनका नहीं चलेगा, इसलिए तो वो हर साल बाहर से लड़के बुलाते हैं। गौरव जी, ऐसी जरूरत क्यों पड़ रही है कि बार बार मीडिया के सामने लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं कि झाझा के साथ दोहरी नीति अपनाई जा रही है? देखिए, सबसे पहला बात है कि हर लोग का अलग अलग प्रोफेशन होता है, कोई बिजनेसमैन बनता है, कोई IAS बनता है, कोई राजनीति में जाता है, कोई स्पोर्ट्स में जाता है। यहाँ आप जानते हैं कि जम्मू जिला बहुत पिछड़ा जगह है और ख़ासकर झाझा बहुत गरीबी जगह है, फिर भी यहाँ पे खिलाड़ी जो हैं बड़े मेहनत से और बड़े ही मतलब ये कह सकते हैं कि अपना पैकेट मनी खर्च करके क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट को यहाँ जिंदा रखे हुए हैं। बड़े बड़े आयोजन होते हैं यहाँ पे झाझा चनवारी मैदान में, तो इन लोग की साबिकता होती है उसमें। आप देख सकते हैं आपके सामने जितने भी सामान रखे हुए हैं वो सभी कीमती सामान होते हैं जो ये लोग खुद से बेयर करते हैं और कुछ सामाजिक लोगों से बेयर करते हैं। मेरा मानना है कि देखिए, सबसे पहला बात है कि यहाँ पे दुर्व्यवहार नहीं होता है, यहाँ पे सीधा सीधा है कि पैसा का बंदरबांट होता है। आप समझ सकते हैं कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन जो होता है वहाँ पे अंडर-19 का सिलेक्शन हो रहा है और दिल्ली के लड़कों को यहाँ पे पैसा लेकर के उसको एडजस्टमेंट कर दिया जा रहा है, जबकि हर जिला से इस अंडर-19 में 9 खिलाड़ियों को चयनित करना है हर जिले से। तो झाझा स्टेशन क्लब करीब 30 वर्षों से खेल रहा है, तो आखिर हर सिलेक्शन में ये झाझा की टीम में क्यों नहीं आती, यहाँ के एक भी खिलाड़ी क्यों नहीं आती है? कल हमारी बोर्ड से बात हुई, DCA बोर्ड से बात हुई, उन्होंने कहा कि कोई मामला नहीं है, आप लड़का पटना भेजिए, वहाँ पर उनकी ट्रायल होगी, लेकिन जब वहाँ लड़का पहुँचता है तो वहाँ से उसको ट्रायल नहीं दिया जाता है, और वो लड़का अभी फिलहाल पटना से रो करके झाझा आ रहा है। अब सोच सकते हैं उसका मानसिक रूप से वो कितना बीमार हो गया लड़का, उसका जवाबदेही कौन होगा जो दिल्ली में जाके प्रैक्टिस करता है, कलकत्ता में जाके प्रैक्टिस करता है, खुद स्टेशन क्लब में आके प्रैक्टिस करता है, दिन रात मेहनत करते हैं। जो कैप्टन है उनका कहना है कि DCA यानी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन जो है उनके द्वारा दोहरी नीति अपनाकर भेदभाव लगातार किया जाता है, जिसकी वजह से ये लोग कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अपने शोषण के शिकार हो गए। बिल्कुल, आप समझिए कि 2019 में DCA के द्वारा यहाँ मैच कराया गया, ठीक है, और उसमें 30,000 रुपये खर्चा हुआ, इन लोगों ने खर्चा करके उस मैच का भव्य आयोजन किया, वो लीग हुआ था DCA की तरफ से, वो 30,000 रुपये 5 साल से भी DCA वाले नहीं दिया है,
जम्मू क्रिकेट एसोसिएशन ने इनको नहीं दिया अभी 30,000 रुपया, और जो भी अंडर 19 का उसका रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 2,000 रुपया है, लेकिन 10,000 रुपया मांगा जा रहा है। 30,000 पाँच साल पहले इनका कर्ज वो लोग धारते हैं, वो नहीं दे रहे हैं, और मात्र 2,000 रुपये के लिए दो लड़के का सिलेक्शन नहीं किया। आप सोच सकते हैं कितना इन लोगों से नफरत पैदा हो चुका है अधिकारियों को जो जम्मू में बैठे हुए हैं, और 25,000 रुपया लेकर के दिल्ली के खिलाड़ियों को ला करके क्यों बनाया गया खेल मंत्रालय? मत बनाइए ना, स्पोर्ट्स का कोटा खत्म कर दीजिए, मत बनाइए खेल मंत्रालय। क्यों खेल मंत्री बनते हैं, क्यों खेल अधिकारी बनते हैं? स्पोर्ट्स का पैसा आता है, इन लोग को स्पोर्ट्स का भी पैसा नहीं मिलता है। जिस स्टेशन क्लब से खेलते हैं उससे भी पैसा इन लोग को नहीं मिलता है, उनसे भी प्रताड़ित है। आखिर कब तक ये अपने आप से खेल पाएंगे? इन लोग का प्रोफेशन है भाई, खेल नहीं होगा तो कैसे होगा? सरकार कहती है खेलोगे कूदोगे बढ़ोगे पढ़ोगे, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खेल में सबका भविष्य है। आज अच्छे अच्छे लोग खेल रहे हैं, तो ये लोग भी तो चाहता है कि हम लोग खेल के भारत का नाम रोशन करें। कि अब हम लोगों ने मोर्चा यहाँ संभाल लिया है, और हम लोग आज हम लोग सभी खिलाड़ियों से मिल रहे हैं। अब इसका बेहद पैमाने पर आंदोलन होगा, और इसमें एक ही निर्णय होगा, अगर DCA अगर होता है, अगर BCA का अगला सिलेक्शन होता है, अगर झाझा का खिलाड़ी नहीं जाएगा, तो हम लोग जम्मू से लेकर पटना तक पहुंचेंगे, फिर टूर्नामेंट में हम लोग अवरोध डालेंगे, और बिहार के जो भी इसके खेल मंत्रालय हैं उनसे मिलेंगे। अगर झाझा का लड़का नहीं जाएगा, होनहार लड़का नहीं जाएगा, तो किसी भी टूर्नामेंट में हम लोग अवरोध डालेंगे। सबसे पहले ये तस्वीर आप देख लीजिए कि ये क्रिकेट का कीट है यहाँ पर, जो किसी सरकारी संस्था यानी खेल मंत्रालय से नहीं, बल्कि निजी संस्थान यानी कि पॉकेट मनी से यहाँ के जो क्रिकेटर थे, जो खिलाड़ी थे, उन्होंने पाई पाई इकट्ठा करके जमा किया, और आखिरकार ये 18,000 से 20,000 रुपये किट की कीमत आती है। जब हमने कैप्टन साहब से बातचीत की तो उन्होंने इस प्रकार कहा कि 18,000 से 20,000 रुपया प्रति किट का दाम है, और तमाम किटें रखी हुई। आप अलमीरा देख सकते हैं किस तरह से, एक जुगाड़ू आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरह से टूटा फूटा है, लेकिन फिर भी इस टूटी फूटी अलमीरा में, ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये टूटा फूटा अलमीरा है, और इस टूटे फूटे अलमीरे से ही वो खिलाड़ी आज अपनी किस्मत को आजमाइश करने में लगे हुए हैं। लेकिन